जय हिंद सभी को। फिर एक अच्छे सेशन के साथ में आपके सामने हैं आर्मी अग्निवीर, जो मैथ एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो वो 20 क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। इसे वस्तु का क्रय मूल्य बताना है हमें, हमें बताना है इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस बताना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर क्रय मूल्य निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है इसका विक्रय मूल्य गुना में 100 अपॉन में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। जब लाभ होता है तो लाभ लिखना है और हानि होती है तो वहां पे क्या लिख देना है, 100 माइनस हानि प्रतिशत कर देना। अभी देखिए यहां पे विक्रय मूल्य इसने बताया कितने रुपए में बेचा है, 150 रुपए में, तो यहां पे रख दो 150, उसके बाद में गुना में 100 और अपॉन में अब लाभ हुआ कि हानि, तो इसने बताया कितने प्रतिशत हानि हुई है, 25% हानि हुई है। तो 100 में से 25 को माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 75। अब 75 से इसको डिवाइड कर दो, काट दो, किस पे कट जाएगा, 2 पे, 2 और 100 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 200। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 7,250 रुपए का 8% वार्षिक दर से 73 डेज का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, हमें इसका बताना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है पीआरटी अपॉन में 100। ठीक है, अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला होता है मूलधन गुना में दर गुना में समय और अपॉन में क्या होता है, 100। मूलधन क्या होता है, जिसको जो पैसे हम उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं। तो अब इसमें मूलधन बता दिया इसने कितने रुपए हैं, 7,250 रुपए। उसका रेट कितना बताया है इसने, 8% बताया है। और टाइम कितना बताया है, 73 डेज। अब जो थोड़ा सा ध्यान देना वो यहां पे देना है। अब ये देखिए यहां पे ये बता रखा है वार्षिक और ये बता रखा है यहां पे दिन। तो कल भी बताया था तुम्हें कल की क्लास में, जब तक यूनिट सिक्वल नहीं होती है तब तक उसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, 73 डेज के ईयर्स कन्वर्ट करेंगे। 73 दिन के हम क्या बनाएंगे, साल बनाएंगे। तो वो साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 73 को डिवाइड कर दो किससे, 365 से। एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं। तो जब कभी भी हमारा रेट वर्ष में दे रखा हो और टाइम है वो दिन में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, उन दिन को 365 से डिवाइड कर देंगे। और अगर यहां पे बोलता 5 महीने, अगर मंथ दिया होता तो मंथ को हम किससे डिवाइड कर देते, 12 से डिवाइड कर देते। अगर महीने की बात करते हैं तो एक साल में 12 महीने होते हैं, और अगर दिन की बात करते हैं तो एक साल में 365 दिन होते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या इसको कैंसिल करना है, ये सिंपली कट जाएगा 1 से, और ये किस पे कट जाएगा, 5 पे कट जाएगा। ठीक है, अब 5 से इसको काटेंगे, 5 से इसको काट दो, 5 से 1 2 बचेगा, 5 चौके 20 और 5 25, ये कट जाएगा 5 पे। 4 पे इसको काट दो, 4 दुनी 8 और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 से फिर से काट दो, 25 से किस पे जाएगा, 25 5 125 कितना बचेगा, 20 और 25 8 कितना हो जाएगा, 200। तो यहां पे क्या बच गया, 58 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 28 जा कितना होता है, 16, 1 2 5 जा 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 116 रुपए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही एलसीएम और एचसीएफ वाला क्वेश्चन आता है, ये बोला है 36, 24 और 40 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम कैसे निकालना है, ये लिख दिया 36, 24 और 40। सबसे पहले एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, मिनिमम नंबर लिस्ट नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, और लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहां पे 2, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20। फिर 2 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 6 होगा और ये कितना हो जाएगा, 10। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 4, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये 9 रहेगा, फिर ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5। फिर 3 से कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 3, ये 1 और ये कितना होगा, 5। अब इन नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, 2 और 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 4, 4 दुनी 8, 8 तिया 24 और 24, 3 जा कितना होता है, 72 और क्या बच गया, 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो
पांच दूनी दस, पांच सात पैंतीस और एक कितना हो जाएगा 36, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 360। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ऑलमोस्ट बच्चे इसको बड़े चाव से और बहुत जल्दी इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, इसको फटाक से करते हैं दो और फिर इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 3 3, और ये आपको पहला ही ऑप्शन दिख जाएगा ये, ठीक है, जो कि क्या है, गलत आंसर है, इसका रॉन्ग आंसर है। हमें पता है जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिख जाता है एग्जाम में तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो नंबर है भाग का मतलब क्या होता है, अपॉन में हो जाएगा ये 6, और ये भी अपॉन में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अगर ये ऐसे भी नहीं लेना है आपको तो इसके लिए क्या करना है, जो नियरेस्ट नंबर है उससे डिवाइड करना है सबसे पहले, तो नियरेस्ट नंबर यहां पे क्या है 6 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा, उसके बाद में इसको 3 से डिवाइड करना है, 111 को किससे डिवाइड करना है 3 से डिवाइड करना है, ये 111 और अब कर दो इसको 3 से डिवाइड, सबसे पहले किस पे जाएगा 3 पे 9 कितना बचेगा 2, फिर 1 आएगा तो कितना आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37, जो ऑलमोस्ट बच्चे डी ऑप्शन तक नहीं पहुंचते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 675 रुपए को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 675 रुपए को बांटना है किसमें, दो बंदे हैं ए और बी, किस रेशियो में बांटना है 5:4, तो रेशियो में जब कभी भी पैसे डिवाइड करने हैं तो कैसे डिवाइड करते हैं, सबसे पहले ए का हिस्सा निकालेंगे, ए का रेशियो कितना है 5 और दोनों का टोटल कितना है 9, और कितने रुपए को बांटना है 675 रुपए को बांटना है, काट दीजिए यहां से 9 7 63 हो जाएगा 4, 9 5 45, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 5 25 कैरी 2, 5 7 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, तो ए का हिस्सा कितने रुपए आ जाएगा 375 रुपए, टोटल रुपए कितने हैं 675, ए के कितने हो गए 375, तो बी के कितने बच जाएंगे 300, देख लीजिए ये ऑप्शन। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये दिया है 300 और 375 तो जल्दबाजी में इसको टिक नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये हिस्सा ए का है और ये बी का है, हमें पता है ए को कितने मिले हैं 375, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक वर्ग की परिधि 176 मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसका रेडियस बताना है, हमें पता है कि एक सर्कल है उसकी परिधि बताया कितना 176 मीटर, हमें पता है अगर वर्ग की परिधि निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है 2πr, और 2πr किसके इक्वल है 176 के इक्वल, हमें क्या निकालना है रेडियस r निकालना है, r इसमें फाइंड करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 2 × π का मान कितना होता है 22/7 इंटू में r रहेगा और बराबर में क्या रहेगा 176, यहां से अगर r की वैल्यू निकालनी है अपने को तो क्या करना है 176 को वहीं पे रखो, ये जो 7 यहां पे डिवाइड में था वो इधर आके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो मल्टीप्लाई में नंबर है ये कहां पे हो जाएंगे इसके डिवाइड में हो जाएगा, अब इसको काटना है 7 से कैंसिल होगा नहीं हो रहा है, इसको करो कैंसिल किस पे हो जाएगा 4 पे, 4 और 7 की गुना कितनी होती है 28, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दो संख्याओं का योग 300 और अंतर 150 है तो संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है, अब देखिए ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसका बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका बताता हूं तुम्हें, कई बार पूछा जाता है इसमें कि बड़ी संख्या क्या होगी, कई बार पूछा जाता है छोटी संख्या क्या होगी, कई बार इनका गुणनफल पूछा जाता है, मल्टीप्लाई पूछा जाता है, तो जब कभी भी तुम्हें बड़ी संख्या निकालनी है और छोटी संख्या निकालनी है या दोनों संख्या निकालनी है तो तुम्हें क्या करना है, जब बड़ी संख्या निकालते हो तो एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 कर दीजिए और जब छोटी संख्या निकालते हो तो एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 कर दीजिए, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। अब देखिए एक्स प्लस वाई, इसको मान लो एक्स, ये हो गया 300 प्लस में 150 और डिवाइड किससे करना है 2 से, अब 300 को और 150 को जोड़ो कितना हो जाएगा 450, किससे डिवाइड करना है 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे किस पे कट जाएगा 225 पे, अब देख लीजिए पहला ऑप्शन कहीं पे 225 दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में है 225, तो वो पहली संख्या क्या हो जाएगी, इसने दोनों संख्याएं पूछी है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक वर्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा,
एक वर्ताकार बेलन है भाई, ठीक है। और ये पूछ रहा है, इसमें बता दिया इसकी हाइट है, इसकी ऊंचाई बता दिया, ऊंचाई कितने सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या ये कंप्लीट होता है, डायमीटर व्यास, और ये जो इसका हाफ होता है ये क्या होता है, इसका रेडियस होता है। इसने बता दिया इसका रेडियस कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। हाइट बता दिया, हाइट कितने सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, इसका आयतन बताना है इसका, ठीक है। तो आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए, अगर एक बेलन का आयतन निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला याद रखना है। कई बार पेपर में खाली फार्मूला भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो अब रख दो फार्मूला में, पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। आर रेडियस कितना है, 7, स्क्वायर का मतलब दो बार लिखना है, और एच हाइट कितनी है, 15। ये 7 से क्या हो जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, 15 की और 7 की गुना क्या होती है, 15, 7 जाए 105। किसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, 22 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, 2 से करो 10, ये हो जाएगा, फिर 2 से करोगे कितना हो जाएगा, 10, 0, 1, 3 और 2, तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 1, 0। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2, 3, 1, 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 70% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 255 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कल तुम्हें बताया था टोटल होता है 100%। अब इसने बता दिया 70% क्या है, इसमें बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी बचेंगी, 30%। बिल्कुल क्लियर सी बात है, टोटल 100%, 100 में से 70% क्या है, इसमें लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बचेंगी, 30%। अब इसने बताया लड़कियों की संख्या कितनी है, 255, तो 30% किसके बराबर है, 255 के बराबर है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इसने क्या पूछा है, लड़कों की संख्या क्या होगी। कई बार यहां पे पूछा जाता है स्कूल में कुल छात्र कितने हैं, तो कुल अगर पूछा जाता है, अगर टोटल पूछा जाता है, तो टोटल में हम क्या फाइंड करते हैं, टोटल में हम 100 फाइंड करते हैं। और ये क्या पूछा इसने, लड़कों की संख्या, तो लड़कों का परसेंटेज कितना है, 70%, तो हम यहां से 70% निकालेंगे, 255 गुना में 70 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये किस पे जाएगा, 3 8 24 और 3 5 15, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 35 करी 3 7 8 56 और 3 कितना हो जाएगा, 59, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी ऑलमोस्ट सब बच्चों का जो आर्मी अग्निवीर का एग्जाम बचा है वो 15 जनवरी को होने वाला है, ठीक है, तो 15 जनवरी तक का, आज 12 या 13 तारीख है, तो लगभग अभी तुम्हारे पास में एक महीने का टाइम बचा हुआ है, अच्छा टाइम है, अगर रेगुलर क्लास करते हो आप लोग, रेगुलर स्टडी करते हो, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अभी लास्ट टाइम पे जो रिजल्ट आया उसमें वैकेंसी अभी अच्छी दी है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% सेव करता है और उसका मासिक खर्च 4,980 रुपए है, तो उसकी आय कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह बोल रहा है 17% सेव करता है, अब वही बात सेम यहां पे भी, टोटल कितने परसेंट होता है, टोटल होता है 100%, 100% में से वो बचत करता है कितने प्रतिशत, 17%। तो ये बताइए वो खर्च कितने प्रतिशत करता है, खर्च करता है वो 100 माइनस 17 कर दो कितना आ जाएगा, 83% आ जाएगा, 83% क्या करता है वो खर्च करता है, और इसने बता दिया वो कितने रुपए खर्च करता है, 4,980। तो इसका मतलब क्या है, 83% किसके बराबर है, 4,980 के बराबर। हमें क्या बताना है, उसकी मंथली इनकम बताना है, टोटल बताना है, हमें निकालना है 100% किसके बराबर होगा। सेम फार्मूला लगा देंगे, 4,980 गुना में 100 और अपॉन में क्या कर देंगे, 83, डिवाइड कर दो किस पे कट जाएगा, 3 की टेबल में 8 कहां पे आता है, 6 पे आता है, तो 6 से कट जाएगा, 6 3 18, 6 8 48 और 49, 60 पे 60 की और 100 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 6,000, तो उसकी मंथली इनकम कितनी है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई 2/5%, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको भी कई बच्चे गलत कर देंगे, इसको बच्चे स्टार्ट करते ही क्या करेंगे, 2/5 और इनटू में 100 कर देंगे, ठीक है, और काट देंगे 5 × 2 = 10, ये तो 40, थोड़ा ऑप्शन में नहीं दे रखा है, नहीं तो ऑप्शन टिक कर देंगे 40, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जब कभी भी किसी भी नंबर के साथ में अगर परसेंटेज दिया है,
जैसे अगर बोलता है 20%, तो इसका मतलब होता है 20/100। और जब कभी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने का बोलता है या हमें परसेंटेज निकालने का बोलता है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई में 100 करना होता है। तो ये ध्यान रखना है। अभी यहां पे क्या बोल रहा है, ये 2/5 और परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। ठीक है, इसके अपॉन में 100 हो जाएगा, काट दो, 2 से 1 हो जाएगा। ये किस पे कट जाएगा, 50 पे। ऊपर क्या हो जाएगा, 1, 5 और 5 की गुना क्या होगी, 25। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 25 पुस्तकों का मूल्य 750 रुपए है, तो 13 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसको भी वही सेम तरीका मैंने बताया है। ये मैं मैथ के अंदर 50-60% क्वेश्चन है, एक सेम ट्रिक से करवाता हूं और इसको ध्यान में रख लेना। ये बोल रहा है 25 पुस्तकों का जो प्राइस है वो कितना है, 750। हमें कितनी पुस्तक का बताना है, 13 का बताना है। तो ये जो दो नंबर होते हैं ना, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, इन दोनों नंबर की गुना कर दो, 750 गुना में 13, और यहां पे जो नंबर होता है ना, इसको तुम भाग में कर दो। ये भाग में आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा। कैंसल कर दो, किस पे कट जाएगा, 30 पे। 13 की और 3 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 13 3 39, 10 बाकी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ए किसी काम को 12 घंटे में और बी 15 घंटे में पूरा करता है, दोनों मिलकर इसे कितने समय में पूरा करेंगे। वेरी वेरी इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। ए किसी काम को करता है 12 घंटे में और बी करता है इसे 15 घंटे में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि काम करना कितना है, हमें टोटल काम कितना करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का एलसीएम लेते हैं। 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 7। 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 7। 12 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 5, और 15 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 4। ये जो यहां पे लिखा है ना, इसको बोलते हैं टोटल वर्क, इसको बोलते हैं टोटल वर्क, मींस कुल काम। और ये जो यहां पे है ना, इसको बोलते हैं वन डे वर्क, एक दिन का काम। बंदे को करना है 60 काम और वो हर रोज कर रहा है 5 काम, तो 5 काम हर रोज करेगा, तो ये बोल रहा था कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में। ठीक है, अब देखिए यहां पे अब पूछ रहा है दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो ये 5 काम करता है, ये 4 काम करता है, अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितना काम कर देंगे, 9 काम कर देंगे। और करना कितना है, 60। तो 60 को किससे डिवाइड कीजिए, 9 से, 9 6 54 हो जाएगा, कितना बचेगा, 6। अब ये देखिए 6 घंटे तो कंप्लीट आ गए इसमें, ये 6 आवर्स है, 6 आवर्स है, ये कंप्लीट आ गया। अभी ये बच गया 6, रिमाइंडर बच गया तो ये आ गया 6/9। अगर ये नॉर्मल होता तो ये ऐसे आ जाता, बट ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 6/9 को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया 6 आवर्स कंप्लीट हो गया। 6/9 के हम मिनट बनाएंगे तो इसके मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 6, 3 हो जाएगा, और 3 से कितना हो जाएगा, 20। 20 और 2 की गुना क्या हो जाएगा, 40 मिनट। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 6 आवर और 40 मिनट्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 घंटे और 40 मिनट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई, और सारा देश इसका आंसर ये करके आता है। ठीक है, सीधा देखते हैं, 0.9 का वर्गमूल क्या होगा, 10√0.9, और बच्चे फटाक से इसको टिक कर देते हैं कि 0.3 होगा, जो बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, ये 0.3 किसका आंसर है, अगर 0.09 का वर्गमूल पूछा जाता है तो इसका आंसर है ये 0.3। ये जो नंबर लिखा है ना 0.9, ये 0.9 ये क्या है, 90 है ये। ठीक है, और एक्चुअल में जो वर्गमूल निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं, हम इसके क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, और जीरो से स्टार्ट किया तो यहां पे हो जाएगा 0.। सबसे पहले किस पे जाता है, 9 पे जाता है, 9 9 81 होता है। ठीक है, यहां पे रखा जाता है, 9 9 कितना होता है, फिर 18, यहां पे फिर क्या बचता है, 9, फिर एक आगे जोड़ा आ जाता है, फिर ये जाता है यहां से 4 पे, 4 4 16, 4 8 32 और 1 33, 4 1 4 और 3 7, ये ऐसे चलता है ये क्वेश्चन। ठीक है,
तो इसका तुम्हें ये मेथड अगर नहीं समझ में आता, नहीं ध्यान में रहता है, तो तुम्हें रट्टा मार के रखना है, याद रखना है कि अगर 0.9 का वर्गमूल पूछा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, 0.948 इसका करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन आपके सामने, 8 व्यक्तियों में से एक 45 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से इनके औसत भार में 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है, नए व्यक्ति का भार कितना है। जिसने चैप्टर नहीं किया है, जिसको नहीं समझ में आता, उनके लिए बहुत हार्ड क्वेश्चन है, और जिसने चैप्टर किया हुआ है उसके लिए बिल्कुल सिंपल 5 सेकंड का क्वेश्चन है। यह बोल रहा है कितने आदमी है, 8 आदमी है, टोटल कितने आदमी है, 8, उनमें से कितने केजी का आदमी गया है, 45 केजी का आदमी गया। अब देखिए, एक आदमी बाहर गया और एक आदमी आ गया, तो जो नंबर से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नंबर 8 ही रहेंगे। अब जो आदमी गया है ना, और उसकी जगह पे नया व्यक्ति आने से औसत भार में 1.5 केजी की वृद्धि होगी, मतलब सबका वेट है ना 1.5 केजी बढ़ गया। अब देखिए, यहां पे आदमी कितने थे, टोटल 8, और सबका वेट बढ़ेगा कितना, 1.5 केजी, तो 8 आदमियों का कितना बढ़ जाएगा, 15 × 8 = 120, 12.0 केजी, इसका मतलब 12 केजी की वृद्धि होगी। जो आदमी गया था उसका वेट कितना था, 45, आया है तो वेट बढ़ गया तो प्लस कर देना, अगर वेट कम हो गया तो माइनस कर देना। अब 45 और 12 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 57, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन चेंज कर देता, यहां पे वृद्धि की जगह पे बोल देता कमी हो गई, ठीक है, अगर कमी बोल देता यहां पे, जहां पे इंक्रीज बोल रहा है उधर अगर डिक्रीज कर देता यहां पे, तो उस टाइम पे क्या करना था, 45 में से 12 को माइनस कर देना था, तब इसका करेक्ट आंसर क्या आता, 33 आ जाता। ये थे आपके मैथ के 15 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्मी के एग्जाम में, जो मेरिट लिस्ट बनाने में बहुत हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यह बोल रहा है किसी कूट भाषा में रेस्ट को, ठीक है, RUST, यह बोल रहा है इसको लिखा जाता है WVXU, हमसे पूछ रहा है ये इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या तरीका लगा रखा है जल्दी से। अब ये जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इनमें क्या होता है, आप लोगों को जो अल्फाबेट है ABCD ये सब याद रखने हैं, ठीक है, या जो तुम्हें टाइम मिलता है उसमें इसको लिख के रख लेना, ठीक है। अब यहां पे देखोगे तुम, कोई लॉजिक लग रहा है क्या, ये देखिए यहां पे RSTUVWXYZ ये लिख दिया हमने, 5-7 लेटर लिख दिए। अब इसमें ये जो R है ना, R की नीचे लिख रखा है यहां पे W, तो R से W में 1, 2, 3, 4, 5 पांचवें नंबर पे, फिर U के बाद में V लिख रखा है, S के बाद में X लिख रखा है, T के बाद में U, मतलब कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। अब यहां पे देखोगे तुम STU, ये कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो यहां पे देखिए R के बाद में 3 प्लस कर दिया, प्लस 3 किया तो क्या आ गया, U, U के बाद में 3 प्लस कीजिए 1, 2 और 3, तो U के बाद में क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, उसके बाद में S के बाद में 3 प्लस कीजिए 1, 2, 3, तो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, और उसके बाद में क्या है, T के बाद में 3 कीजिए 1, 2, 3, क्या आ जाएगा, W, मतलब इसका रिवर्स दे रखा है, ध्यान से समझिए इसको, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा था RUST, इसको लिखा इसने W, V, X और U, तो इसमें क्या किया, इसने सम में प्लस 3 किया, सम में प्लस 3 किया, चाहे तो आगे से यहां पे लिखना स्टार्ट कर दो या फिर यहां से ऐसे स्टार्ट कर दो, T को इसने W लिख दिया, ये यहां पे आपको दिख रहा है T, और T के 3 नंबर बाद में क्या आता है, W आता है, S यहां पे दिख रहा है आपको S, और S के 3 नंबर बाद में क्या आता है, V, तो फिर S के बाद में क्या लिखा, V, U के बाद में X और R के बाद में V, प्लस 3 किया सब में, ठीक है। अभी हमें इसमें प्लस 3 करना है, ठीक है, तो ये देखिए MNOPQRST आगे लिखी रखना है हमने, ठीक है, तो क्यू के बाद में 3 नंबर पे क्या आता है, क्यू के बाद में टी आता है, ठीक है, तो टी कहां पे आएगा, लास्ट में आएगा। अब तुम्हें देख लेना है पूरे क्वेश्चन के अंदर, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुम्हें देखना है जो क्यू के साथ में टी आता है ना, वो लास्ट में लिखा जाएगा, कौन से ऑप्शन में लास्ट लेटर
टी है वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए यहां पे ये टी दे रखा है तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी करके देख सकते हो यू के बाद में तीन देखिए ये यू है यहां पे एक दो तीन तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा ठीक है। आई के बाद में क्या हो जाएगा आई जे ई एफ जी एच आई जे के एल एम तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है एल तो यहां पे एल हो गया। जेड के बाद में तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई ई एफ सिक्स जी एच नाइन आई जे के एल 24। अब देखिए ये तो सीधा सिंपल सा है ई एफ जी एच आई जे के एल तो आगे क्या आ जाएगा एम और एन हम देखेंगे जिस ऑप्शन में एम और एन दिया उसको करेक्ट कर देंगे। तो यहां पे तीन ऑप्शन में दे रखा है एम ठीक है। आगे चलते हैं अब यहां पे ये देखने हैं हमें जो संख्या दी उनमें क्या किया है छह से क्या किया नौ नौ से क्या हुआ पंद्रह और पंद्रह से क्या है चौबीस। छह में प्लस तीन कर दिया नौ हो जाएगा नौ में प्लस छह कर दो कितना हो जाएगा पंद्रह पंद्रह में प्लस नौ करो कितना हो जाएगा चौबीस और चौबीस में कितना करेंगे अभी प्लस बारह तो चार और दो छह और दो एक तीन तो क्या आंसर हो जाएगा एम एन 36 तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा एम एन 36। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो डायरेक्शन वाला चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बोल रहा है सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर जाता है। जब भी इस चैप्टर का क्वेश्चन आता है वो अपने आप पे लेके करना है कि मैं उत्तर में जा रहा हूं मैं पूर्व में जा रहा हूं या मैं पश्चिम में जा रहा हूं। यह डायरेक्शन दी यहां पे और यह बोल रहा है पश्चिम में जाता है कितने किलोमीटर 15 किलोमीटर। उसके बाद में वो बाएं मुड़ता है तो बाएं कहां पे जाएगा नीचे की साइड जाएगा और बाएं मुड़ता है कितने किलोमीटर चलता है 20 किलोमीटर। फिर पूर्व में मुड़ता है तो अब यहां से स्टार्ट किया था तो यह पूर्व में हो जाएगा और पूर्व में जाता है कितने किलोमीटर 25 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता और 20 किलोमीटर चलता है फिर बाएं मुड़ गया और कितने किलोमीटर गया 20 किलोमीटर। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है यह डिस्टेंस बच गया यहां पे ठीक है। तब देखिए यहां पे यह कितना बचा हुआ है देख लीजिए यह कितना गया था यहां पे 15 ठीक है ऊपर बता देते इसको यह यहां से स्टार्ट किया इसने और 15 किलोमीटर गया पश्चिम में फिर बाएं मुड़ के गया यहां पे 20 और फिर मुड़ के गया है कितना 25 और फिर चल के गया है 20 तो ये टोटल डिस्टेंस हमें पता है टोटल कितनी है 25 25 में से कितना कवर कर रखा है 15 तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बच गई 10 तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 10 किलोमीटर। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है 10 किलोमीटर की दूरी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 10 11 19 40 110 अगला नंबर बताना हम 10 अब 10 के आगे दिया इसने 11 11 के बाद में 19 46 110 क्या लॉजिक लग रहा है 10 प्लस 1 किया है यहां पे तो कितना हो गया 11 अब 11 में क्या किया इसने 8 किया है तो कितना हो गया ये 19। अब देखिए यहां पे 1 का क्यूब किया यहां पे 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब 2 का क्यूब क्या होता है 8 तो 11 और 8 कितना हो जाएगा 19 19 में क्या करेंगे 4 का क्यूब 4 का क्यूब कितना होता है स्क्वायर किया सॉरी 3 का ठीक है यहां पे 3 का करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 19 प्लस 3 का क्यूब 3 का क्यूब कितना होता है 27 तो 19 और 27 कितना हो जाएगा 46। उसके बाद में 46 के बाद में 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 64 64 और 40 कितना होता है 110। अब 110 में हमें क्या करना है 5 का क्यूब करना है 5 का क्यूब कितना होता है 125 जोड़ दो इसको 5 ये होगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2 तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 235। चलिए आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सब बच्चों का आता है ये इसमें तो पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी देखते ही बता देंगे ठीक है सबका आंसर यही आएगा 30 सबका आंसर यही आएगा 30 कमेंट करके बताना है कि 30 आया है क्या है ये 30 क्या है इसका गलत आंसर है ये ठीक है। ये बोल रहा है एक ड्रम के जल की मात्रा प्रत्येक मिनट पर दोगुनी होती है हर मिनट में क्या हो जाता है डबल हो जाता है ड्रम 60 मिनट में पूरा भर जाता है
कितने मिनट में ड्रम आधा होगा, ठीक है, आधा भरेगा, हाफ भरने का बताना है। तो बच्चे क्या करते हैं, 60 मिनट में अगर पूरा भरता है तो 30 मिनट में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नहीं, ये क्या बोल रहा, ऊपर वाली कंडीशन पढ़नी है, प्रत्येक मिनट में दुगुना होता है, मतलब हर एक मिनट में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये थे आज की क्लास के 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ के थे और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बता देना, उसको रिपीट करेंगे। कौन कहां से क्लास को देख रहा है, किस स्टेट से बिलोंग करता है और किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो सब कमेंट करके बताना है। फिर मिलेंगे कल इसी टाइम सेम क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।